And don't forget that our troops fought fearlessly. Fantastic. The kind of response they gave to the attacks coming from India was fantastic. वाइस एडमिरल मोहम्मद हारून, मैं नेवी में रिटायर हुआ हूँ 2007 में और आई रिटायर्ड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। बहुत ही गंदा किरदार, उनका किरदार इतना मतलब कि झूठ के ऊपर झूठ बोलना उनका एक स्टोरी बन गई हुई है। वो फैब्रिकेट करते हैं कहानियाँ, वो स्टेज करते हैं गलत एक्टिविटीज़ और फिर पाकिस्तान के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। ये उनका एक तरीका है हमारे साथ डील करने का। और ये बात याद रखें कि जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। देखो ऐसे है कि आप ये याद रखें कि मिलिटरीली हमारी उधर तकरीबन 34,000 ट्रुप्स थे, इंडिया के 10 डिवीज़न थे वहाँ पे। दैट मीन्स दे हैड अबाउट ओवर 1 लाख ट्रुप्स ऑपरेटिंग इन दैट एरिया। एक तो ये बात। दूसरा, हमारा एक हवाई जहाज़ों का PAF का एक स्क्वाड्रन था जो नहीं चल सका क्योंकि ढाका एयरफील्ड के ऊपर बॉम्बिंग हुई। उनकी नेवी का पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा कैरियर ग्रुप वहाँ पे फिर रहा था और वहाँ के कैरियर के ऊपर जो 24 एयरक्राफ्ट थे वो भी ऑपरेट हो रहे थे। और हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत कम था, बल्कि था ही नहीं जब जंग शुरू हुई है। एंड डोंट फॉरगेट दैट आवर ट्रुप्स फॉट फियरलेसली। फैंटास्टिक। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे गेव टू द अटैक्स कमिंग फ्रॉम इंडिया वाज फैंटास्टिक। एयरक्राफ्ट, छोटा इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट उन्होंने हाईजैक का बहाना लगाया और उसको लाहौर में लैंड कर दिया। जब लाहौर में लैंड कर दिया तो उन्होंने हमारे ऊपर तोहमतें लगाई कि ये पाकिस्तान ने इसको हाईजैक किया है, जहाँ जबकि हमारा कोई उसके साथ ताल्लुक़ नहीं था। जब वो हाईजैक हो गया, उसमें से पैसेंजर्स निकाल लिए गए तो उन्होंने ही जहाज़ को एक्सप्लोड कर दिया। जो था पूरा एक ड्रामा स्टेज किया जो it is unbelievable to you know when I look at it from hindsight, unbelievable. I found that after that they immediately stopped our overflights over India, and that was the reason that they gave कि ये हमने किया है। हमने नहीं था किया, वो उन्होंने खुद ही किया था। मेरे ऊपर तकरीबन 5 दफ़ा हमले हुए। मुक्ति भाईनी ने डिफरेंट पोजीशंस पे जाके हमले किए, लेकिन वो हमले मोटिवेटेड नहीं होते थे। 4 फायर किए, 10 फायर किए और उसके बाद वो लोग भाग जाते थे जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स जाता था। और उसके बीच में उन्होंने हमारे शिप्स के ऊपर ब्लो अप करने के लिए गोलियां मारी, लेकिन हमने उसको रिस्पॉन्ड दिया और उनको भगा दिया। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने एक तो मिथ क्रिएट की कि देयर वर 3 million पीपल हु वर यू नो who came out of Bangladesh and went into India as migrants or whatever. वो गलत था। Actually there were good only about a few thousand peoples, and those chaps were only Hindus, not Muslims. मैं उधर रहा हूँ, देखा है। जब बुरे दिन थे तो वहाँ पे लोग हमें आके कहा करते थे, साहब ये क्या हो रहा है, आप कुछ करो। तो मोस्टली बंगालीज और ईस्ट पाकिस्तानीज वर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, दे वर नॉट विद इंडिया। Oof, it was terrible. It was terrible. The Mukti Bahini first launched themselves on the Biharis, and they killed the Biharis and their children and the women, and they did all sorts of atrocities that human being can think of. उन्होंने पहले तो किया, फिर जो वेस्ट पाकिस्तानी जो इधर उधर रहते थे छोटे छोटे, उसमें उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी हमले किए और बड़ी बुरी तरह मारा, कत्ल किया। और वहाँ पर हम लोगों को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि आप बंगालियों को पकड़ें या मारें। हम वी यूज टू ओनली रिएक्ट टू अ सिचुएशन दैट वाज क्रिएटेड बाय द मुक्ति बाहिनी। After the 71 war, the Bangladesh Home Ministry registered a few cases of murder. The total number of cases that were registered were 12,000. And nearly 75% to 80% of those were the murders committed by Mukti Bahini and Bengalis. One thing that should be very clear. The total number of rapes that were claimed were not more than 2,000, and nearly all of them were the Mukti Bahinis who committed those rapes on the Bihari. Be vigilant, be vigilant. हमारे ऊपर बड़े बड़े तोमतें लगाई जाएंगी बाय द इंडियंस, हमारे ऊपर बहुत बहुत हमले किए जाएंगे, वो करते रहेंगे।